साथियों लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि अध्यापक भर्ती का परिणाम कब जारी होगा, वही फाइलमैन और वन रक्षक भर्ती का परिणाम कब जारी होगा, और जो पीटीआई भर्ती का जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश कब जारी होंगे, वही रीट पात्रता परीक्षा को लेकर भी इंतजार कर रहे हैं, और जो 4500 पद कम कर दिए गए उसके लिए भी युवा बेरोजगार परेशान और दुखी है। कोशिश कर रहे हैं, मैं भी पूरा सहयोग कर रहा हूं। मैं सबसे पहले इस वीडियो में बात करना चाहूंगा अध्यापक भर्ती के बारे में। अध्यापक भर्ती के संबंध में बताना चाहूंगा, लगभग 30 के करीब जिलों का जांच का कार्य हो चुका है लेवल वन का, और सोमवार मंगलवार तक बाकी कार्य भी हो जाएगा, और उम्मीद है कि 24 या 25 तक परिणाम जारी हो जाएगा। जो मैंने आप ट्वीट के माध्यम से पेश हुए सब्जेक्ट मैंने लिखा है कि 24-25 तारीख बड़े महत्वपूर्ण है, यानी कि 24-25 तारीख कुछ खास हो सकता है। लेकिन साथियों हम लोग ये सब कुछ हो रहा आपके अल्टीमेटम, आपके दबाव से। जब 3 अगस्त को बड़ी भीड़ आई थी, उन्होंने ताकत देख ली थी आपकी युवाओं की, और फिर 10 तारीख को भी मैंने अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि आपने 24 तक नहीं किया तो 25 तारीख को बड़ी संख्या में आएंगे। उसके बाद तेज गति से कार्य हो रहा, आप देख लीजिए कितनी तेज गति से कार्य हुआ, और डाटा चेक के साथ साथ फीडिंग का कार्य भी जारी है। इसके बाद जो तमाम टीमों के समरूपता के लिए एक जगह इन सबकी मीटिंग होगी और फिर परिणाम तैयार किया जाएगा। तो लगभग 24-25 तारीख में कभी जारी हो सकता है, लेकिन 24 को हो जाए तो स्वागत है। 25 तारीख को हम इसलिए आएंगे कि डेटा तत्काल बीकानेर भेजा जाए और वहां से जिला आवंटन होकर नियुक्ति आदेश हो, क्योंकि राजधानी है, यहाँ ही बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे, तो ये मैसेज सरकार तक भी जाएगा, क्योंकि हम नियुक्ति का आदेश की भी मांग करेंगे, जिला आवंटन की मांग करेंगे। और यदि हमारे साथ धोखा होता है तो 25 तारीख को हम मोर्चा खोलेंगे। हालांकि जो मैंने पिछले वीडियो में बोला, मैंने आपने देखा ट्वीट या उसकी कॉपी सब कर रहे हैं, 24-25 सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, वो मैं वीडियो में आप लोगों ने पहले भी देखा है, और मैं आपको तथ्यात्मक आपके सामने बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं धरातल पे काम कर रहा हूं। इसलिए अध्यापक भर्ती लेवल 1 के और लेवल 2 के जो अभ्यर्थी वो भी अधिक से अधिक संख्या में इसलिए पूछे, क्योंकि लेवल 1 का काम होता है तेज गति से आपका काम हो और आपके भी लेवल 2 के परिणाम जारी हो। तो 25 तारीख को आप सभी को आना है, लेकिन आपको पुनः बता दूं लेवल 1 के अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिल जाएगी, यानी कि आने वाला वीक आपके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है 24 तक वो वादा पूरा करेंगे, क्योंकि 10 तारीख को उपवास किया था, हमसे ही वादा किया था, हमें आश्वासन दिया था 24 अगस्त तक का, क्योंकि धरातल का हम संघर्ष करें और सब लोग कॉपी पेस्ट करें, और यदि नहीं होता तो 25 तारीख को बड़ी संख्या मोर्चा खोलेंगे। 25 तारीख को इसलिए क्योंकि तत्काल डेटा बीकानेर भेजा जाए, क्योंकि कई बार डेटा भेजने में 10-15 दिन लगा देते, कई भर्तियों में ऐसा हुआ है, वो डेटा वहां पहुंचाना है, उसके बाद जिला आवंटन करवाना, नित्य आदेश जारी करवाना। तो लेवल 1 के विशेषकर अभ्यर्थी सुने, 25 तारीख को सुबह 10 बजे एक बार फिर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। वहीं लेवल 2 के अभ्यर्थियों को इसलिए आना है कि हम दोनों लेवल के अभ्यर्थी मिलकर मिलेंगे तो बड़ी ताकत होगी और आपका कार्य तेज गति से होगा और जल्द आपका परिणाम भी जारी हो, ये मांग हम करेंगे। इसके अलावा जो फायरमैन भर्ती के जो अभ्यर्थी है, मैं आपको बता दूं, आज मेरी सचिव मोदी जी से पुनः बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगले वीक में परिणाम जारी कर देंगे, और मैं मंगलवार को चेयरमैन से मिलने जा रहा हूं। मेरे फोन पे माननीय चेयरमैन साहब जो नए बने आलोक राज जी, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने मंगलवार का समय दिया कि सोमवार को अवकाश पर है, सोमवार को नहीं होंगे, सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं आएंगे, मंगलवार को उन्होंने समय दिया, मैं समय लेकर जा रहा हूं, तो मंगलवार को मैं आपकी बात रखूंगा, मंगलवार को आपकी बात मैं मजबूती से रखूंगा। और सचिव साहब ने आने वाले वीक के लिए कहा कि इस बार आने वाले वीक में 100% फायरमैन भर्ती का परिणाम जारी कर देंगे। वन रक्षक और मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती के परिणाम के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। वहीं रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने के लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। सीएम मोहित जी से मैं 10 तारीख को मिला था देवाराम जी से, और अभी सीएमओ में 2 दिन पहले ललित कुमार जी से मिल के आया हूं कि पात्रता परीक्षा की तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए, और सहमति भी जताई है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द वो सुनेंगे अपनी आपकी मांग को, और पात्रता की तिथि और विज्ञप्ति को लेकर जल्द घोषणा होगी। इसके अलावा जो 4500 पदों को लेकर मैं लिखित में देवाराम जी जो मुख्यमंत्री ओएसडी उनको देखकर आया था, और अब मैंने मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा, यदि मुख्यमंत्री से समय मिलेगा तो मैं आपकी मांग मुख्यमंत्री जी आपके एक सदस्य को साथ ले जाकर और मैं खुद आपके सामने बात रखूंगा, जिससे आपके 4500 पद बढ़ते हैं तो कहने की युवाओं को भला हो, क्योंकि अगस्त का महीना या सितंबर में फर्स्ट वीक में से परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले यदि पद बढ़ते हैं तो मैं पूरी मदद करूंगा। मैं सीएम से मिलने का समय मांग रहा हूं, और समय मिलता है तो आपकी बात आपके सामने रखूंगा। मैंने पहले हर जगह आपकी मदद की, उपवास में, अनशन में, सब जगह मैंने आपकी बात रखी है, आवाज उठाई, 25 जुलाई को आंदोलन में आवाज उठाई है, और संघर्ष के बदौलत 1500 पद भी आपके जुड़वाए, पहले 6000 कम किए गए थे, मैंने 1500 पद संघर्ष के बदौलत, जब कोई भी साथ नहीं था तो वो संघर्ष के बदौलत जब गुजरात से थे वो पद आपके जुड़वाए, हर जगह मैंने आपका साथ दिया, ऐसा नहीं कि मैं आपका साथ नहीं दिया। ट्विटर पर ट्विटर वार में ट्वीट करने साथ देना नहीं होता, दरअसल संघर्ष करने से
साथ देना कहते हैं उसको, जो मैंने किया है उपवास में, अनशन में, सब जगह मैंने आपकी मांग रखी है और आवाज उठाई है। तो साथियों, ये इन चीजों को लेकर जो मैं आपको बता रहा था, रीट पात्रता परीक्षा के लिए बता दे, और मैं बता रहा था पीटीआई भर्ती को लेकर, पीटीआई भर्ती का काम चल रहा है जल्दबाजी मैं भी नहीं कर रहा, हालांकि आज के लिए कहा था सचिव साहब ने कि आज भिजवा देंगे, लेकिन नहीं, जांच बारीकी से होना चाहिए, यदि कोई फर्जी बाहर होता है तो होने दीजिए उसको बाहर, किसी योग्य अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, मैं भी दबाव नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सोमवार को वो जो पत्र था 115 अभ्यर्थियों का जो उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था, वो सोमवार को भेज देंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक कानाराम जी ने, शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक कानाराम जी ने कहा था कि 5 दिन के अंदर जिला आवंटन करके नियुक्ति आदेश, पदस्थापन आदेश जारी कर देंगे। तो सोमवार को लेटर पीटीआई भर्ती का बीकानेर पहुंच जाएगा, सोमवार को पहुंच जाएगा, यह आज बताया गया है। और सोमवार के बाद इनकी 4-5 दिन के अंदर आपका जिला आवंटन और पदस्थापन आदेश जारी हो जाएंगे। तो सही योग्य अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं होगा, उनके जल्द से जल्द ज्वाइनिंग आदेश भी होंगे और आपका जिला आवंटन होगा। पीटीआई के जो सही योग्य चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जो फर्जी है उसके खिलाफ कल भी था, आज भी और हमेशा रहूंगा। मदी मांग कानाराम जी से बात करके आया था, जो एक उनके सदस्य को मैं साथ लेके गया था, वो उस समय कानाराम जी से मिले निदेशक मोदी जी, वो संतुष्ट था, और उसके हर बात का जवाब निदेशक मोदी ने दिया और मैंने दिया, और मैंने उनका पक्ष रखा वहां पे, और मैंने मजबूती से उनका पक्ष रखा, और ये भी कहा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो फर्जी अभ्यर्थी है उनके खिलाफ। हालांकि उन्होंने एक बात कही है कि जो सर्टिफिकेट के बाहर की यूनिवर्सिटी के हम जांच कराएंगे, यदि हम उनको एक मौका देंगे वो जवाब पेश नहीं कर जाते हैं तो उन लोगों को बाहर किया जाएगा, केवल बाहर की यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेट है उन लोगों को ओनली काउंसलिंग में रखा जाएगा, जिला आवंटन करके ओनली काउंसलिंग में रखा जाएगा, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, जांच करवाई जाएगी, जो फर्जी होगा उनकी उसकी रिपोर्ट आएगी नहीं, ऐसे में उनको अपात्र किया जाएगा और बाहर किया जाएगा, उनकी जगह नहीं को लिया जाएगा। ये बात निदेशक मोदी जी उस व्यक्ति के सामने कही थी। तो साथियों, ये तमाम मुद्दों को लेकर फिर आप लोगों से मैं जुड़ता रहूंगा। धन्यवाद।